लॉर्ड विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी 1991 मूल वाद के मामले में हिंदू पक्ष की बहस पूरी हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजय शंकर रस्तोगी जी हैं, वाद मित्र हैं और पूरे मामले में मुख्य पैरोकार भी हैं। सर, बहस पूरी हो गई है, 18 सितंबर से अब मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा। जो बहस पूरी हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कौन सा पक्ष ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया था और इस बहस में वो पक्ष सामने आया है? देखिए, जो मामला है एएसआई सर्वे का जो आदेश था वो सबसे पहले 8/4/2021 को इस पुरातन वाद में ही हुआ था। उसके पश्चात राखी सिंह का केस फाइल हुआ, राखी सिंह के केस में एएसआई सर्वे का आदेश पारित हुआ था और कमीशन की कार्यवाही भी कराई गई। चूँकि हमारा केस का की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित था, इसलिए एएसआई सर्वे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन ये जो राखी सिंह के आदेश के कोर्ट केस में ये आदेश हुआ उसके अनुसार एएसआई सर्वे हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया कि इस सर्वे की रिपोर्ट को यथावत जैसा है उसी प्रकार से इस वाद संख्या 610/91 में एएसआई दाखिल कर दे। और कोर्ट को यह कहा गया कि अगर 8/4/2021 के आदेश के कंप्लायंस में कोई इस सर्वे में कमी आती है, महसूस होती है, तो एडिशनल सर्वे कोर्ट करा सकती है। इसके परिपेक्ष में मैंने आदेश अपने प्रार्थना पत्र को कोर्ट में प्रस्तुत किया है। मुख्य विषय यह है कि एएसआई ने जो सर्वे किया तो कमीशन की कार्यवाही के दौरान जो विवादित ढांचा है उसमें वजू खाना कहा जाता है, जबकि वो एक तालाब का शक्ल है। तालाब में शिवलिंग मिला, शिवलिंग को यह कहा गया मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि वह फव्वारा है, तो विवाद हो गया। लेकिन सिविल जज ने उसको सील करने के लिए आदेश किया था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला गया तो उन्होंने उस आदेश को मॉडिफाई करके संरक्षित करने का आदेश पारित किया गया। संरक्षित करने का मतलब कि डीएम को आदेशित किया गया कि उसकी सुरक्षा रखें कि उसमें कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से तब्दीली न कर सके। इसका ढाल लेकर के गलत रूप से एएसआई ने कह दिया कि वो एरिया चूँकि सील है इसलिए मैं नहीं उसका सर्वे करूँगा, तो मेरा कोर्ट से अभी निवेदन हुआ है कि वह सुरक्षित है, मात्र सील नहीं किया गया है न्यायालय के आदेश से, और उसका सर्वेक्षण करे, यह बतावे कि वो जो शिवलिंग निकला है वो शिवलिंग है कि फव्वारा है, इसका भी साइंटिफिक सर्वे करके रिपोर्ट दे। रस्तोगी जी, जो एएसआई सर्वे हुआ उसमें जो संरक्षित एरिया है, जो वजूखाना, सील वजूखाना, आप कह रहे हैं कि एएसआई से गलती हुई है, उसका सर्वे होना चाहिए था, एएसआई ने नहीं किया? जी हाँ, क्योंकि एएसआई पूरे विवादित स्थल का सर्वे करेगी, पार्ट का नहीं करेगी, और पार्ट का अगर करेगी तो वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो समझ का फेर है, समझ नहीं पाया एएसआई? नहीं पाया, वो सील कह करके उन्होंने नहीं किया जबकि सील नहीं था। दूसरी बात, जी आपने कहा विवादित ढांचा, अभी तक हम लोग मुख्य गुंबद सुनते थे, तीन गुंबदों में से मुख्य गुंबद के नीचे हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन आपने कहा कि ये विवादित ढांचा है, तो पहली बार इस केस में विवादित ढांचे का शब्द आया है, टर्म आया है? ये विवादित ढांचा तो हम लोग शुरू से कहते चले आए हैं, क्योंकि इसकी रिलीजियस कैरेक्टर का विवाद उठाया गया। ये कहा गया कि यह मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है, तो बात यहीं पर समाप्त होती है इसकी, कि कोर्ट साक्षियों के माध्यम से, मौखिक साक्ष्य के माध्यम से, दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से और मौके की साक्ष्य के माध्यम से यह तय करेगी पहले कि पहले वहाँ पर मंदिर था,
कि नहीं, अगर उसे मंदिर को तोड़ करके कोई मस्जिद बनाई गई है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी हिंदू इबादत खाना पर मंदिर पर मस्जिद तामीर करने का इस्लाम परमिट ही नहीं करता, तो फरमान में भी नहीं था, इसलिए हम उसको मस्जिद कह ही नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि वो विवादित ढांचा है। जब तक कि कोर्ट का निर्णय ना आ जाए कि यह पहले मंदिर था, उसे तोड़ा गया और उस पर मस्जिद तामीर कराई गई, तो मस्जिद, अगर ये एविडेंस आ गया कि पहले मंदिर था तो मस्जिद हो ही नहीं सकती, सीधी सीधी बात है, कोर्ट का कमांड आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, इसलिए अभी हम उसको विवादित ढांचा कहते हैं। ये एक तो आपने कोर्ट से मांग की कि सील वजू खाने का भी सर्वे हो, इसके लिए ASI को निर्देश दिए जाएं, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका वायलेशन भी नहीं होगा। नहीं होगा, किसी वायलेशन का सवाल इसलिए नहीं है कि राखी सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया था कि खुदाई न करें और उसको जो है वो प्रिजर्व करने के लिए आदेश किया था, सील नहीं किया था, तो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश जो दूसरे केस में इंडिविजुअल केस में हुआ था वो जजमेंट इन परसोनम है, वो उन्हीं पक्षों तक लागू होता है, मेरे उप को छू भी नहीं सकता, इसलिए उससे हम बात दे नहीं हैं। तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो दे सकता है फैसला? बिल्कुल देगा। हाँ। बिल्कुल देगा। अच्छा, अगर आप, चूंकि मामला कोर्ट में है, चल रहा है, सुनवाई हो रही है, आप लोगों ने बहस पूरी कर ली, इसमें आप अगर बताना चाहें, औरंगजेब के भी मामले का जिक्र हुआ क्या? औरंगजेब के मामले का जिक्र इस प्रकार से आया कि ASI ने अपने ASI रिपोर्ट में आलमगीर औरंगजेब के उस आदेश का जिक्र किया है जो 18 अप्रैल 1669 को जारी किया गया था, इस मंदिर को, काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने का आदेश था, उसका जिक्र किया है, और यह भी बताया है कि 2 सितंबर 1669 को ये विश्वनाथ मंदिर गिरा दिया गया, ऐसा सूचना दी गई बादशाह को, यह भी उन्होंने इंगित किया है, इसलिए मैंने सारे तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखा कि ये पहले मंदिर था, उसे गिरा करके यह ढांचे का स्वरूप दिया गया है, वह वहाँ मस्जिद हो ही नहीं सकती। एक आखिरी सवाल, मुख्य गुंबद के नीचे आप बता रहे हैं कि आदि विशेश्वर हैं, ज्योतिर्लिंग है, और उसके नीचे खुदाई पर रोक लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहाँ खुदाई नहीं हो सकती है, क्या रास्ता निकल सकता है? देखिए, मैंने, आपने क्या मांग रखी है? मैंने माननीय न्यायालय में वहाँ की वस्तु स्थिति का को बताया है, वस्तु स्थिति का मैं स्वयं साक्ष्य नहीं देता बल्कि हिस्टोरियंस के द्वारा लिखे गए बुक का रेफरेंस हमने कोर्ट में दिया है, डॉक्टर ASL टेकर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर के थे, BHU के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ बनारस। हिस्ट्री ऑफ बनारस में उन्होंने कहा है कि यहाँ 100 फुट का ज्योतिर्लिंग था, 100 फुट का उनका गहराई लिए हुए अर्घा था, और उनकी छटा इस प्रकार की थी कि पाताल गंगा का एक स्रोत भगवान शिव के जटा के ऊपर निरंतर गिरता रहता था 24 घंटे, और उसका जल जो ब्रह्मजल कहते हैं, वह जल ब्रह्मनाल के जरिए जो है वो गंगा में जाता था, इस प्रकार की थी, जिसे ढक दिया गया है, जिसे मलबे से और पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर से ढक दिया गया है, और उस पर बड़े बड़े पत्थर का वो देख पटिया से ढक करके उसको पक्का कर दिया गया है। तो खुदाई कैसे होगी उतने गहराई तक, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो उतनी गहराई तक खुदाई कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट का रोक हमारे लिए नहीं है, माननीय न्यायालय ने
8/4/2021 के आदेश में इस बात का आदेश दिया है कि 4x4 का ट्रेंच खोदेंगे इस विवादित ढांचा से दूर जा कर के, और उससे उसके सतह तक जाएंगे नीचे अंदरूनी, और वहां से फिर वर्टिकल हो करके वहां पहुंचेंगे और बिना नुकसान पहुंचाए इस ढांचे को यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो हिस्टोरिकल एविडेंस बताया जा रहा है वहाँ मौके पर है कि नहीं। तो आपने मांग की है कोर्ट? इसकी मांग की है, मैंने यह बताया कि ASI ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें यह पाया है कि वहाँ कंसील्ड वेल है और 4.5 मीटर के लेयर के नीचे उनका GPR सिस्टम काम नहीं किया। तो और रास्ता क्या है कि इसको कहाँ कैसे ASI पा सके, तो उसको यह लाजमी है कि इस ढांचे को बिना नुकसान किए इस ढांचे से 100 मीटर की दूरी पर जाए, वहां से 4x4 का ट्रेंच खोदे, अंदर जाए और अंदर जा कर के उसका सर्वे करके रिपोर्ट दे। चलिए, तो हिंदू पक्ष की गवाही पूरी हो गई है, 18 सितंबर से मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा, अपनी बात रखेगा। जो वाद मित्र हैं विजय शंकर रस्तोगी जी, इनका कहना है कि ASI से बड़ी गलती हुई है, सील वजू खाने का भी ASI सर्वे होना चाहिए था, ASI ने वो सर्वे नहीं किया, लिहाजा कोर्ट को ASI को ये आदेश देना चाहिए कि सील वजू खाने का भी सर्वे किया जाए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।